तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अर्णव नेहरी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो सुबह की शुरुआत हो रही है चमक के साथ। इसे स्टार फ्रूट कहते हैं बट हमारी लोकल भाषा में इसे चमर कहा जाता है। तो चलिए इसको टेस्ट करते पहले। बहुत ही ज़्यादा खट्टा है यार, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप सब ने थंबनेल देख लिया होगा। जी हाँ, आज के ब्लॉग के जरिए मैं आप सबको मिलाने वाला हूँ अपने न्यू फैमिली मेम्बर से, एक क्यूट से पपी से। तो सबसे पहले तो मेरे बालों का तो बुरा हाल हो गया है क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ चला हुआ है और मेरे को बड़े बाल तो पसंद भी नहीं है। तो 10 दिन में हो जाएगा मेरा बर्थडे मंथ ख़त्म, तो हेयर कट कराएंगे। तो अभी तो बुरा ही हाल है, तो जज मत करना। तो आज मैं आपको अपने डॉग से मिलाने वाला हूँ। तो यार मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, तो 6 मंथ पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हो, जिसमें कि मैं एक डॉग लेने गया था धर्मशाला। उस दिन मेरा एग्ज़ाम था बट फिर भी मैं डॉग लेने गया था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, मतलब अभी 5 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं डॉग लेने वो श्याम नगर। ये मेरा फ्रेंड अंश वालिया, हेलो। तो गाइस बहुत ही बुरी खबर है, हम कुत्ता लेने गए और मतलब उन्होंने मना कर दिया कि बहुत ही छोटा है और अभी नहीं देना है, मतलब एक हफ्ते के बाद आओ तब मिलेगा। वेरी सैड, मतलब बहुत ही बुरी खबर है। तो आप सबने क्लिप देख ली होगी यार, उस दिन मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना कि फैमिली में न्यू पपी आएगा। तो उस दिन मेरा एग्ज़ाम भी था फाइनल टर्म का केमिस्ट्री का, +1 का। तो मैंने जल्दी से अपना एग्ज़ाम कंप्लीट किया, फिर मैं और मेरा फ्रेंड उनके घर गए थे पपी लेने। तो उनका घर स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, तो हम तो पूरा एक्साइटेड होके गए थे कि पपी मिलेगा। बट उस दिन हमें पपी नहीं मिला, उन्होंने मना कर दिया कि अभी बहुत ही छोटा है, तो 1-2 हफ्ते के बाद आओ, तब तक बड़ा भी हो जाएगा तब ले जाना। तो हम 1-2 हफ्ते के बाद की जगह मतलब 3 हफ्ते के बाद उनके घर गए, तो उन्होंने किसी और को दे दिया था, जिसके कारण बहुत ही दुख लगा कि यार नया पपी चाहिए और वो सारी एक्साइटमेंट वेस्ट होगी। तो मैं बहुत टाइम से लगभग 6 महीने से मैं अपनी फैमिली को जिद कर रहा था कि मुझे पपी चाहिए, तो नहीं मान रहे थे। बट 26 अगस्त को मेरा बर्थडे था, तो उस दिन मेरे बड़े भैया मतलब ताऊजी के जो लड़के हैं वो न्यू पपी लेकर आए घर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो वो लैब्राडोर ब्रीड का है। तो मेरे साथ कौन है? मनु भाई, हेलो कर दो, मत करो कैमरे से, मत शर्माया करो, कुछ नहीं होता, ये भी स्टार फ्रूट खा रहे मेरे साथ। हेलो तो कर दो, मनु भाई, गूंगे नहीं बोल पाते। तो वो पपी लैब्राडोर ब्रीड का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और लगभग 1 मंथ का हुआ है। तो 27 अगस्त को वो मेरे पास आया है, मतलब 26 अगस्त को मेरा बर्थडे था, तो उस दिन तो मैं अकेला था घर में, बट 27 अगस्त को भैया लेकर आया उसको घर में। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट पपी है, तो आपने उसका नाम डिसाइड करना है। तो उसके बाद टाइम ही लगाया और उसका नाम क्या रखूँ, मैंने सोचा अपनी फैमिली से पूछेगी, तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताना उसका नाम क्या है, उसकी क्यूटनेस देख के बताना कितना ज़्यादा क्यूट है, और साथ ही साथ उसका नाम बताना क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो। तो 2 हफ्ते से मैं ब्लॉग्स नहीं डाल रहा था, मैंने सोचा आज डालते क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था यार ट्यूशन क्लासेस के कारण। मैंने सोचा आज मिलाते अपने न्यू फैमिली मेम्बर्स को अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको अपने पपी के पास। तो दोस्तों फाइनली वो समय आ चुका है आपको मिलाने का अपने न्यू फैमिली मेम्बर से। मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी ये न्यू फैमिली मेम्बर है क्योंकि आप सब मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हो, तो सब्सक्राइबर्स तो मेरे लिए मेरी फैमिली है। तो ये रहा हमारा न्यू फैमिली मेम्बर, मेरा न्यू पपी। तो इसका नाम आप ही डिसाइड करना क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो, तो आप डिसाइड करना, कमेंट में ज़रूर बताना इसका नाम क्या रखूँ मैं, प्यारा सा नाम बताना, फिर मैं अगली वीडियो में इसका नाम भी बता दूंगा क्या रखा मैंने इसका नाम। वैसे फैमिली वाले इसको T2 बोलते हैं, T2 कैसा नाम है आप ज़रूर बताना, T2 अच्छा है कि आप कुछ डिसाइड करना यार, अगर आपको T2 अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो ये मेल पपी है, कैसा लगा आपको? वाइट कलर में ना, पहले हम ब्लैक में सोच रहे थे, फिर हमने सोचा नहीं वाइट क्यूट होते ज़्यादा ना, तो हमने वाइट पपी ले लिया। तो 2 हफ्ते से मेरे पास है और इतनी ज़्यादा शैतानी करता है ना, रात के मतलब 2 बजे उठ जाता है कि मुझे भूख लगी है तो उसको दूध पिलाना पड़ता है, मतलब मेरे साथ ही होता है, तो मैंने लोटे में दूध रखा होता है तो रात को उसको दो बजे दूध पिलाना पड़ता है सैरलेक के साथ। तो देखो तो ये रहा हमारा न्यू फैमिली मेम्बर जो कि अब हमारे साथ ब्लॉग्स करेगा, मतलब ब्लॉग्स में दिखता रहेगा आप सबको। तो 3 महीने का जब होगा ना तो इसको मतलब ट्यूटर बुलाया जाएगा, मतलब इसकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। तो कैसा लगा आपको? ये देखो, तो बोल दो हेलो गाइस। हेलो गाइस, अच्छा है ना, क्यूट है। तो आज घर में सिर्फ 3 ही जने हैं, एक मैं हूँ, मनु भी है और हमारा क्यूट सा पपी है।
तो भूख लगी हुई है जोर से, इसने तो खा लिया। इसको सैरलक के साथ मतलब दूध दिया जाता है, कभी कभी सैरलक के साथ पानी मिक्स किया जाता है तो वही खाता है। तो अभी मेरे को और मनु भैया को भूख लगी है, तो अभी अभी हमने जोमेटो से ही ऑर्डर दिया है क्योंकि घर में कोई नहीं है और घर वाले मना करते हैं बाहर से खाना नहीं मंगाना। तो आज घर वाले नहीं है तो हमने सोचा बाहर से करते हैं पार्टी। तो मनु भैया कर दिया ना आपने ऑर्डर? हाँ कर कर दिया दिए। ना, तो थोड़ी देर में मतलब 15 मिनट में पहुंच जाएगी डिलीवरी हमारी। तब तक करते हैं इसके साथ मस्ती। टी टू टी टू टी टू टी टू टी टू। तो दोस्तों घर वाले सारे इसको टीटू बोलते हैं, मेरे को टीटू बहुत ही ज्यादा क्यूट नाम लगता है, बट मनु भी अकेले इसे मैक्स बुलाते हैं। मनु भाई को मैक्स बहुत अच्छा लग रहा है नाम। आप बताना टीटू ज्यादा बेस्ट है कि मैक्स, या आप बताना कमेंट करके आपको कौन सा नाम ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसका नाम टीटू तो टेंगो पूरे मजे में है देखो। ये रखा मेरे को पता है काटता भी है मनु भैया, ये मेरे को काटता पता है। रात को जब मेरे साथ सोया हुआ था ना तो काट रहा था मेरे को। ये काटते ये हैं देखो देखो देखो, वो देखो देखो मस्ती देखो इसकी, बहुत ही ज्यादा मस्ती है। और ये खारिश इसलिए कर रहा है क्योंकि जब से मतलब इसका बर्थ हुआ ना इसको एक बार भी ना नहलाया नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं 3 मंथ तक डॉग मतलब जो पपीज होते हैं ना उनको नहलाते नहीं है वरना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इसे मतलब पाउडर ही लगाते हैं, जो पपी का पाउडर होता है ना तो वही यूज़ करते हैं ताकि स्मेल ना आए, बट 3 मंथ तक इसको नहलाना नहीं है। तो 3 मंथ के बाद ही नहलाएगी उसको। ओए टीटू टीटू वही वही लो वही वही नहीं 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 का सॉरी 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 टीटू टीटू सॉरी सॉरी वही वही टीटू टीटू टीटू। तो अभी अभी हमारा फर्स्ट ऑर्डर पहुंचा है जोमेटो से, जो कि बर्गर पहुंचा है विद एक्स्ट्रा चीज़। तो अभी दूसरा ऑर्डर आने वाला है जो कि है छोले भटूरे और गार्लिक नान। तो एक्स्ट्रा चीज़ डला के गलती कर दी। मनु भैया खाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा चीज़? वही मेरे से खुद नहीं खाए जा रही है। तो मनु भाई कुछ बोलना चाहोगे? कुछ तो बोल दो। कुछ भी नहीं भाई, एक बाइट ली है ना उन्होंने मेरे बर्गर से। मनु भाई का मूड ऑफ हो गया, पैसा वेस्ट। तो अभी मैं फिर से घर जा रहा हूँ दूसरा जोमेटो का सामान लेके, और अभी तीसरा भी आना है। मुझे जोमेटो का समझ नहीं आ रहा, मतलब खाते खाते उठना पड़ रहा है, सामान लेने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। तो गाइस हमारा दूसरा सामान पहुँच चुका है, तो अभी तीसरा भी आना है। तो बार बार नीचे जा जाके मतलब खाते खाते उठना पड़ रहा है। तो मनु भाई बोल रहे हैं घर वालों को नहीं बताना है, मतलब जल्दी से छुपाना पड़ना है सामान। तो ये आइए गार्लिक नान, ये गार्लिक नान छोले हैं भटूरे हैं। तो अभी तीसरे सामान में आना है जो कि हमने डिजर्ट मंगाया था मीठे में। तो करते हैं उसका वेट, और जल्दी से हमें पैकेट में छुपाने पड़नी है जितने भी है ना रैपर ऊपर, ताकि यार घर वालों को पता नहीं चले हमने बाहर से खाना मंगाया है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है बाहर से नहीं मंगाना है। तो ये भटूरे है, तो ये वाला मतलब बहुत अच्छा है यार, ये जहाँ से आया ना सामान बहुत अच्छा आया है, एकदम जेन्युइन है और सस्ता भी है और खाने के लिए भी मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने अभी टेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो करते हैं इसको शुरू। मनु भैया जबरदस्ती खिला रहे हैं कि उनके आने से पहले खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, तू खा जितना खा सकता है। और खाए जा रहा नहीं है फिर भी बोल तू खा खा तू खा बस। कभी दोबारा ऑर्डर ना करना, ये इतना ज्यादा नहीं करना है मनु भैया, मैं एक्साइटेड हो गई ज्यादा ऑर्डर कर देता हूँ। इसी बात को तो बोलूं मैं, खाना वेस्ट करने के सब खिलाफ हूँ। पानी बोतल का क्या करूं? पानी पी पी के खा जो पानी पी पी के कौन खाता मनु भाई, प्लीज खा यार मनु भाई प्लीज यार प्लीज मनु भाई, बाकी मैं पैक करके वहां रख दूंगा और केस में मनु भाई प्लीज मनु भाई। तो हमारा खाना हो चुका है, तो अब हो रहा है टीटू का खाना जो कि है दूध और रोटी। तो रोटी एकदम मैश करके देने चाहिए बच्चों को जो 1-2 मंथ के होते हैं ना, तो मैश करके रोटी मतलब दूध में मिक्स करके देनी चाहिए, और चीनी बिल्कुल भी नहीं देनी, मतलब मीठा बिल्कुल भी नहीं देना पपीज़ को, और साथ ही साथ डॉग्स को वरना कुछ एलर्जी आ जाती है। और
देखिए कितने मज़े से खा रहा है। तो सुबह शाम जो होता है ना, मतलब सुबह और रात के टाइम जब इसको खाना देना तब सैर लगते थे ना, और दोपहर के टाइम इसको दूध और रोटी। आज इसने इतना ज़्यादा तंग किया ना कि मैं आप सबको बता नहीं सकता। मतलब कभी काट रहा था, कभी भाग रहा था, और अभी मैं वॉक को लेकर गया ना तो वहाँ पानी के साथ खेल रहा था और बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो अभी मम्मी ताई का आने का समय हो रहा है, तो अभी देखो शरीफ जैसा बेड में आ गया और सो गया है। मतलब इतना ज़्यादा चलाक है ना। ओए टीटू उठ जा, चल चल वॉक को। टीटू 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 चल खाना खाने। टीटू ओए आंखें खोल खोल खोल। बहुत ही ज़्यादा चालू हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और जैसे मैं रूम से बाहर जाऊँगा ना, इसने अपनी आंखें खोल लेनी है ना, और फिर से मस्ती करने लग पड़ेगा। और जब कभी भी कोई भी रूम के अंदर आएगा ना, तो इसने आंख बंद करके बेड में चल जाता है और सोने की एक्टिंग करता है। ये देखो सोने की एक्टिंग कर रहा है। इसकी आंखें देखो ना, आप आंखें देख के देख लो। जब मैं आगे लेके जा रहा हूँ तो खुद ऐसी हिलने लग पड़ रही है। सोने की एक्टिंग कर रहा है। देखो 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 देखो, अब देखना इसकी एक्टिंग देखना। अब इसने आंखें खोलनी है, धीरे धीरे करके छोटी छोटी आंखें खोल रहा है। दिख रही है ओके आपको? फिर से बंद कर दे रहा है। बहुत ही ज्यादा चालू है। ओए ओए। One hour later. मम्मी मैंने नहीं खाना है। चल चल खा ले, सुबह कुछ नहीं खाया। पर मैंने सच्ची नहीं खाना है कसम से। तो मैं तेरे को खाना बना के गई थी, वो तो खाया नहीं तूने, आज लंच कर लिया। मेरे को सच्ची भूख नहीं आज। अरे मम्मी वीकनेस आ जाती जल्दी। वीकनेस पढ़ने वाले बच्चे खाना खाते हैं। ओ मम्मी पढ़ लग गए।